हेलो फ्रेंड्स, प्रिय दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, नए दोस्त के साथ और नए विषय के साथ। विषय है जरण और उसका बदलता स्वरूप। जरण का मतलब होता है एजिंग, उम्र बढ़ना। दोस्तों याद रखना, इस पड़ाव पर, इस रस्ते पर आपको भी गुजरना है और हमें भी गुजरना है। जब हम ये रास्ते पर गुजरते हैं तो उस वक्त हमारे शरीर में कौन कौन से बदलाव आते हैं, यानी कि जो हमारा शरीर है किस प्रकार, उसका स्वरूप कैसे बदलता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और बहुत प्रकार है इसमें, सांस्कृतिक रूप से भी है कि किस प्रकार हमारा जो शरीर है, हमारा व्यवहार है समाज में, उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, किसके साथ। शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने, उम्र बढ़ने के साथ। कोई बात नहीं, आप में भी आएंगे, हमारे अंदर भी आ रहे हैं और हमारे जो बुजुर्ग हैं उनमें भी ये आए थे। यानी कि आपको घबराना नहीं है, ये एक विषय भी है और इसके आपके जीवन से संबंधित बहुत सारी चीजें ऐसी हैं इसमें कि जो आप अपने आप को समझने में मदद करेंगे आपको। अर्थात ये विषय ठीक है, एकेडमिक्स तो है ही है, लेकिन आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अंदाजा लगेगा कि आपके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं वो किस कारण से हैं और कौन कौन से हैं। मेरी बात लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, बिना समय को हम जाया करते हुए आज हम शुरुआत कर रहे हैं जरण और उसका बदलता स्वरूप। दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार विषय है और ये विषय, जैसा मैंने आपको बताया है, आपके अपने जीवन के अंदर, व्यवहारिक जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आने वाला विषय है। तो इससे पहले कि मैं अपने इस विषय की शुरुआत करूं, आपसे मैं ना एक इंपॉर्टेंट अखबार की कटिंग दिखाना चाहता हूं। क्या है उस कटिंग में, ये लो आपके सामने है, एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स के आखिरी शब्द। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप यहीं से देखें इसको, गूगल कर सकते हैं आप और आपको बहुत सारी साइट पर, बहुत सारे न्यूज़पेपर के वेबसाइट पर, ब्लॉग्स में आपको मिल जाएंगे इन्होंने जो क्या शब्द वो कहे। आप सब वाकिफ हैं एप्पल से, आईफोन से, आईपैड से, मैक का जो कंप्यूटर है उससे, यानी कि उन सब चीजों के जो संस्थापक थे उस कंपनी के, उनका नाम था स्टीव जॉब्स। अंत में उन्होंने क्या शब्द कहे, एक बार आप इसको जरूर पढ़ना। सारा पढ़ने का सुनाना यहां पर उचित नहीं होगा, बेकार समय जाया होगा इसमें, लेकिन मैं एक आखिरी पैराग्राफ आपके लिए पढ़ देता हूं। ये क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से जो हमारा बदलता स्वरूप है उम्र के साथ साथ, हमारे विचारधारा, हमारी मानसिकता, हमारी साइकोलॉजिकल सेटअप, कॉग्निटिव हमारा डोमेन है, फिजियोलॉजिकल डोमेन, सब में किस प्रकार बदलाव आते हैं, इन शब्दों से आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा। हालांकि यही स्टीव जॉब्स ही नहीं थे इस टाइप की बात करने वाले, बहुत सारे भी लोग भारतीय संस्कृति, यानी भारतीय जो पारंपरिक साहित्य है, इन सब बातों से भरा हुआ है। अनुभव के आधार पर उन्होंने, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने प्रयोगों के आधार पर ये सब बातें कही हैं। चूंकि आज की जनरेशन डिजिटल है तो हमें ऐसा पॉइंट उठाना चाहिए था कि जो डिजिटल से रिलेटेड हो, तो डिजिटल, स्टीव जॉब डिजिटल क्रांति से रिलेटेड है ये, इसलिए इनकी बात मैं कर रहा हूं। अदरवाइज आप गीता पढ़ के देखिए, गीता में सारी यही बातें की गई हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, आप कर्म करो फल की इच्छा ना करो, ये सारी बातें कही गई हैं। पर फिर भी स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं अपने जीवन के बारे में, जरा एक पैराग्राफ आपको पढ़ के सुना रहा हूं, बाकी आप आराम से पढ़ लेना और सुन लेना, चाहे नेट से आप देख लेना, चाहे इस वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। देखिए, आज मैं ये कह सकता हूं कि हम जीवन के किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, उसे अंत तक खूबसूरत बनाने के लिए हमें लोगों का सहारा चाहिए। पैसा हमें सब कुछ नहीं दे सकता, बहुत कुछ दे सकता है ये पैसा आपको, लेकिन दोस्तों करोड़ों अरबों रुपए के कंपनी के मालिक, जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वो कहते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं दे सकता।
ये बहुत बड़ी बात, बहुत गूढ़ बात कही उन्होंने, रहस्य है इसमें, समझने की जरूरत है इसको। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि अपने परिवार से प्यार करें, उनके साथ वक्त बिताएं, इस बेशकीमती खजाने को बर्बाद ना होने दें और खुद से भी प्यार करें। क्या है बेशकीमती खजाना दोस्तों? ये जीवन है, ये जिंदगी है, इसकी बात करते हैं स्टीव जॉब्स। आप इन शब्दों को एक एक को पढ़ेंगे तो ये एहसास होगा कि जो भारतीय पारंपरिक साहित्य में, गीता में जो बातें कही गई हैं वो व्यर्थ नहीं है, वो जाननी जरूरी है, उसका अर्थ समझना जरूरी है। तो दोस्तों चलिए, ये थे आपके कुछ इमोशंस, कुछ संवेगों की बात, कुछ जीवन से, कुछ व्यवहारिक ज्ञान की बात। अब हम अपने विषय पर आते हैं। विषय हमारा, हमने बताया कि जरन और कैसे बदलता स्वरूप। पहली बात हम परिभाषा को जानेंगे, जरन होता क्या है? कुछ नहीं भाई, बढ़ती उम्र की प्रक्रिया को जरन कहते हैं। एज, जो आपकी एज बढ़ती है ना, उसको जरन कहते हैं, उसको एजिंग कहते हैं। और ये कब होता है? एजिंग जब होती है शरीर में, तो वो कब माना जाता है कि आपके अंदर जरन हो रहा है, आपकी उम्र बढ़ रही है? ये तब माना जाता है जब आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो सेल हैं, वो डिवाइड होना बंद हो जाएं, तब आपको लगे कि आप एजिंग, यानी कि आपके अंदर जरन हो रहा है, बुढ़ापा आ रहा है भाई, वयस्कता आ रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए, उम्र तो एक दिन का बच्चा है, दो दिन का हो रहा है, तीन का हो रहा है, वो भी है, लेकिन वो एजिंग नहीं है, वो एजिंग नहीं, विकास वृद्धि है वो। एजिंग का मतलब यहां पर यही है कि बूढ़ा होना, वो स्थिति जब आपके शरीर की जो कोशिकाएं हैं आपस में डिवाइड होना बंद हो जाएं, वो समझ लेना कि आपके अंदर बुढ़ापा आ रहा है। दोस्तों ये एक बहुत क्रूड सी डेफिनेशन मैंने आपकी बताई है, और इस प्रक्रिया को सेनेसेंस कहा जाता है। सेनेसेंस क्या होता है? जैविक रूप से, बौद्धिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से जब हमारे अंदर परिवर्तन होने लगते हैं, इन सब चीजों को हम सेनेसेंस कहते हैं। आई बात समझ में आपको? देखिए, डाउट करने की बात है, एक एक शब्द को मैं अच्छे से समझा रहा हूं आपके लिए। एजिंग को उन परिवर्तनों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया गया है जो मनुष्यों को उत्तरोत्तर रूप से मृत्यु की ओर अग्रसर करते हैं। यानी एजिंग को दूसरी तरीके से, अब ये जो बात कर रहे हैं मेडवार जी, कहते हैं कि जो कुछ बदलाव होते हैं जो शरीर में, वो इकट्ठे होते रहते हैं, आपके अंदर कलेक्टिव होते रहते हैं, ठीक। वो क्या करते हैं, वो सारे, जब सारे चेंजेस एक साथ इकट्ठे होते रहते हैं शरीर के अंदर, जैविक रूप से या सामाजिक रूप से या सोशल समाज साइकोलॉजिकल रूप से, तो वो इकट्ठे होकर व्यक्ति को मृत्यु की ओर, उस द्वार की ओर ले जाते हैं जहां से लौट कर आज तक कोई वापिस नहीं आया है। इसको भी हम, इस प्रकार भी एजिंग को हम परिभाषित कर सकते हैं। परिचय करते हैं। देखिए, ये फोटो मैंने लगाया है, ये मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है, एक बाग वहां पर था। उस बाग में हम आम खरीदने गए थे, तो वहां पर उस बाग के ये माली थे खेमचंद जी, उनके साथ मैंने फोटो लिया। पीछे आम बहुत देख रसीले आम देख सकते हैं, उनका ये फोटो है। तो ये एक कारण है कि ये दो व्यक्तियों के बीच में आप कंपेयर करेंगे तो एजिंग का स्पष्ट रूप से आपको असर दिखाई दे रहा होगा। इसलिए देखिए, मैं फोटो मैंने ये लगाया है। मैं खेमचंद जी का बहुत बहुत इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे पेड़ से पका हुआ मीठा आम खिलाया। चलिए, उम्र बढ़ने के अध्ययन को हम जेरेंटोलॉजी कहते हैं, यानी कि कोई जो लोग स्टडी करना चाहते हैं इसको, उसको क्या कहते हैं? जेरेंटोलॉजी। जैसे साइकोलॉजी है ना, फिजियोलॉजी, जियोलॉजी, ये सारे शब्द जो है ना, इसी तरह से बुढ़ापे की जो स्टडी है उसको हम जेरोंटोलॉजी कहते हैं। उम्र का बढ़ना मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है, आप नहीं बदल सकते इसको, इनएविटेबल हिस्सा होता है। और यहां पर एजिंग की बात करते हैं, पेड़ भी, पौधे भी, कीट पतंगे भी, सभी सब में एजिंग का प्रक्रिया होती है, लेकिन एजिंग की प्रोसेस की जो बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं वो हम व्यक्ति के, मानव के संदर्भ में कर रहे हैं, ठीक। यह एक क्रमिक, ग्रेजुअल और मौन प्रक्रिया है दोस्तों, मौन। एजिंग बहुत धीरे धीरे होती रहती है, बदलाव आते रहते हैं, हम वृद्ध होते जाते हैं, बाल सफेद होते जाते हैं, उड़ते चले जाते हैं, आपके शरीर की शक्ति कम होते चली जाती है, मौन रूप से, साइलेंटली, हमें नहीं पता चलता इस बात का। और
जैविक रूप से होने वाले विकासात्मक परिवर्तन जो हमारे शरीर में जो बायोलॉजिकल रूप से होते हैं, व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से प्रभावित करते हैं। दोस्तों, अगर आपका शरीर के सेल विभाजित होना बंद हो जाएं, आप बायोलॉजिकल रूप से, ऑर्गेनिक रूप से आप वृद्धावस्था की ओर अग्रसर जब होते हैं, तो सारे जो आपके डोमेन है सभी के अंदर उसका प्रभाव पड़ता है। अब देखिए कुछ विशेषताएं, बात करते हैं एजिंग की। ये फोटो लगी है दो लोगों की, जिस प्रकार दो परछाइयां जीवन भर साथ रहती हैं। दोस्तों, ये मान के मत चलना कि जो आज आपका जीवन साथी है या नहीं है या बनने वाला है, वो जीवन भर इन परछाइयों की तरह साथ निभाएगा, क्योंकि ये जरन है, ये जीवन का दस्तूर है, ये दुनिया है, संसार में जो है परिवर्तन इस संसार का नियम है, तो याद रखना इस चीज को। चलिए हम बात करते हैं कुछ विशेषताएं उस जरन की, उस वृद्धावस्था की। उम्र के 30वां दशक बहुत जोशीला दशक होता है, सब जोश उसके अंदर होता है। उस समय व्यक्ति क्या होता है, अपने चरम पर होता है और उसके बाद वह धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ व्यक्ति की विभिन्न बीमारियों की चपेट में आने की संभावना बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि साइकोलॉजिकल रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, बायोलॉजिकल रूप से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, जिसके कारण से उसके अंदर ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। वृद्धावस्था कार्यात्मक और संज्ञानात्मक विकृति का एक पर्याय माना जाता है। देखिए, आप इस चीज से वीडियो को देखकर अगर आप विद्यार्थी हैं और युवा हैं, तो इसमें अपने आप पर मानसिक रूप से परेशान ना हो, लेकिन ये सच्चाई है। ये सच्चाई क्या है कि जो वृद्धावस्था है, आपका जो बुढ़ापा है, वो फंक्शनली कार्यात्मक रूप से और संज्ञानात्मक रूप से एक विकृति का पर्याय माना जाता है। अर्थात आप इस स्थिति में आ जाते हैं, कार्यात्मक रूप से और संज्ञानात्मक रूप से आपकी जो स्थिति है वो कमजोर हो जाती है। आशा है आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे देखिए, उम्र बढ़ने का सबसे प्रमुख भारी बदलाव बताओ आप क्या होता है। सबसे प्रमुख जो बात होती है उम्र बढ़ने की, कैसे पता चलता है कि व्यक्ति की उम्र बढ़ रही है? भाई, आपके बाल सफेद होने लग जाएंगे, चेहरे पर झुर्रियां आ जाएंगी, आपका या तो सिर के बाल उड़ जाएंगे या बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। ये सारी चीजें मिलकर आपको दिखाती हैं। और एक बात और बताता हूं, नाक और कान जीवन भर बढ़ते रहते हैं, कभी भी उनकी जो ग्रोथ है वो रुकती नहीं है। तो आप देखेंगे जो हमारे बुजुर्ग हैं, उनके नाक और कान थोड़े से बड़े हो जाते हैं, कारण यही है, वो लगातार बढ़ते रहते हैं। ये मतलब आप इसको देख सकते हैं, ये स्वरूप है आपका, ठीक। कि जो बाहरी रूप से आपको कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, ये कुछ चीजें हैं जिनके माध्यम से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है। वृद्धावस्था सहज रूप में विभिन्न विकृतियों से ग्रसित होती है। नेचुरली मतलब है कि बुढ़ापे के अंदर प्राकृतिक रूप से ही बहुत सारी विकृतियां आ जाती हैं। चाहे आप उसको कुछ कर लो, कितना ही पैसा हो, कितनी ही मेडिकल साइंस बढ़ जाए, लेकिन विकृतियां आएंगी। आगे देखिए, एकाधिक अंग विफलता यानी मल्टीपल ऑर्गन फेलर, यानी बहुत सारी व्यक्ति के जो अंग हैं एक साथ फेल हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। ये क्या बात है, क्या होता है इसका मतलब है, इसके कारण से वृद्धों में जो मृत्यु होती है मुख्य रूप से, ये सबसे बड़ा कारण होता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, ये सबसे बड़ा कारण होता है उसका, ये है कि कई ऑर्गन एक साथ फेल हो जाती है, कोई कारण है उसके बहुत सारे, जिससे कि वृद्धों की मृत्यु हो जाती है। वृद्धावस्था में सामान्यतः सुनने में परेशानी होती है, मोतिया बिंद होता है जिसको कैटरेक्ट कहते हैं, पेट और गर्दन में दर्द, ऑस्टियो आर्थराइटिस, मधुमेह जिसको आप कहते हैं, बताइए, डायबिटीज, वेरी गुड, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसमें सांस लेने में परेशानी होती है, सीओपीडी बोलते हैं, अवसाद, डिप्रेशन होने लगता है, और स्मृति ह्रास यानी कि मेमोरी लॉस भी होने लगता है। ये सारे रोग व्यक्ति को घेर लेते हैं, ये कहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन कौन से होते हैं व्यक्ति में, आप देखिए एजिंग के जब प्रक्रिया होती है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले मस्कुलोस्केलेटल अधपतन, बड़ा टेक्निकल सा वर्ड है, घबराने की बात नहीं भी, इसका मतलब है जो आपकी मांसपेशियां, जो मसल्स हैं और आपके जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, उन दोनों को मिला के उस प्रोसेस को, उस सिस्टम को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अधपतन का मतलब डिजनरेशन, धीरे धीरे वो कमजोर
होने लगते हैं। ठीक है, फिर देखिए इंद्रियों की कार्य क्षमता कम हो जाती है। इंद्रियां मतलब कान है, आंख है, जीवा है, आपकी त्वचा है, इनकी कार्य क्षमता अपने आप कम हो जाएगी क्योंकि नेचुरल डिजनरेशन होता है। मस्तिष्क में परिवर्तन के कारण संज्ञानात्मक कार्य क्षमता में कमी, यानी आपका जो मस्तिष्क है उसमें काफी कुछ बदलाव आता है जिसके कारण से क्या होता है आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग होती है उसमें कमी होने लग जाती है। शारीरिक प्रणाली धीरे धीरे अधपतन की ओर चुपचाप रुक कर लेती है। मैंने बताया बिना बताए अधपतन डिजनरेशन, आपका जो फिजिकल जो सिस्टम है ना शरीर का वो धीरे धीरे डिजनरेट होने लगता है। जीवन के उद्देश्य पुनः परिभाषित हो जाते हैं। जो लक्ष्य आपने बनाए थे, जो ऑब्जेक्टिव आपने बनाए थे दोस्तों, उनकी परिभाषा बदल जाती है, वो रीओरिएंट हो जाते हैं। हम बदल लेते हैं हमारे सारे लक्ष्यों को। ये कारण है क्योंकि बहुत सारा बदलाव व्यक्ति में आता है, इसके कारण से सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परिवर्तन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक भूमिकाओं और जिम्मेदारी में बदलाव आ जाता है। कहां पर एक समाज के आप कभी लीडर हुआ करते थे, कहां पर एक बहुत बड़े रोल प्ले करते थे आप, लेकिन आज उसमें परिवर्तन आने लगता है। आगे देखिए, मानसिक क्षमता में गिरावट आ जाती है, ये सहज रूप से सत्य है। आपके शरीर में गिरावट है, मस्तिष्क में गिरावट है, तो नेचुरली सहज रूप के आपकी मानसिक क्षमता में भी गिरावट आ जाती है। समन्वय क्षमता और स्थिरता में गिरावट आती है। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, आपके समन्वय क्षमता क्या होती है, किस प्रकार आप देखकर, आप देखेंगे सुई में धागा डालने वाली बात होती है, एक बहुत बड़े कोऑर्डिनेशन की बात होती है, उसमें परेशानी आने लगती है। फिर आप देखिए किस प्रकार आप जब बच्चे होते हैं एक टांग पर आप चलने लगते हैं, वृद्धावस्था में समस्या हो जाती है, कोऑर्डिनेशन की समस्या हो जाती है, ये सारी चीजें होती है समन्वय क्षमता। आगे देखिए, शरीर कठोर हो जाता है और लचीलेपन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। जब बॉडी आपकी हार्ड हो जाएगी तो लचीलापन अपने आप कम हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी। फिर देखिए, दांतों की बनावट बदल जाती है। बनावट क्या बदल जाती है दोस्तों, दांत ही गिर जाते हैं। मेडिकल साइंस नए जरूर लगा देता है, लेकिन जो मां से आपको दांत मिले थे वो तो सारे गिर जाते हैं। फिर आगे देखिए, प्रजनन क्षमता में गिरावट आ जाती है। रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, जिस जीवन का आपने आपने आनंद लिया है उसके अंदर वो कैपेसिटी, यानी अब आप संतान उत्पन्न करने लायक लगभग हो सकता है चांसेस हो, लेकिन वो क्षमता जो पहले थी वो अब आपके अंदर नहीं होती है। दर्द सहने की क्षमता आपकी घट जाती है। आप दर्द अगर थोड़ा सा होता है तो आप सहन करने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। शक्ति और सहन शक्ति सार्थक रूप से घट जाते हैं, यानी आपकी स्ट्रेंथ और एंडोरेंस, समझा ना, स्टेमिना, ये सिग्निफिकेंटली कम हो जाते हैं। हृदय की कार्यात्मक क्षमता में गिरावट के कारण रक्तचाप और अन्य महत्वपूर्ण अंगों के कार्य प्रभावित होने लगते हैं दोस्तों। यानी कि देखिए, सारे शरीर का सारा सिस्टम स्लो हो जाता है, डिजनरेट होता है, तो हृदय भी डिजनरेट होगा, उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी। जब उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी तो दूसरी ऑर्गेन्स के अंदर, आपके अंगों के अंदर ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम हो जाता है तो उनके पास सफिशेंट ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण से उनकी कार्यक्षमता भी, फंक्शनल एबिलिटी भी कम हो जाती है, उसमें गिरावट आती है। और अंत में हम बात करते हैं गतिशीलता, लंबाई और वजन कम हो जाता है। मोबिलिटी तो कम हो ही जाएगी क्योंकि सारी चीजों में आपके जैविक रूप से और फिजिकल रूप से आपके अंदर परेशानी हुई है। देखिए, लंबाई और वजन भी कम हो जाता है। अब लंबाई कम कैसे होती है, लोगों को आइडिया नहीं लगता, बड़े कहते हैं कि कैसे हो सकता है, क्योंकि जो हड्डियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं और उसी कारण क्या होता है, थोड़ी बहुत लंबाई कम हो जाती है। संतुलन बनाने परेशानी आती है, बॉडी सैग आगे तरफ झुक जाती है, तो ये सारे परिवर्तन व्यक्ति के अंदर आते हैं दोस्तों। देखिए, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस रास्ते से हम सबको गुजरना है, तो इसके आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये मेरे रेफरेंसेस आप यहां से चेक कर सकते हैं, मैंने जो मटेरियल लिया है। अब आगे आप देखिए, अगली जो हमारी वीडियो होगी, वृद्धावस्था की समस्याएं या चुनौतियां, यानी जब हम इस स्थिति में आएंगे तो कौन कौन सी चुनौतियां और किन किन समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ कहना है, कुछ डाउट है, कोई बात कहनी है, तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, और साथ साथ में अगर नहीं लिखना चाहते, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो, तो आप मेरी ईमेल आईडी है varmasujit@yahoo.com पर भी आप मुझसे आइडियाज मेरे पास भेज सकते हो। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ या उन लोगों के साथ जो मनोविज्ञान पढ़ना चाहते हैं और अपने जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, तो शेयर कीजिए।
और अगर इसमें कुछ कमी लगती है वो बात मुझसे जरूर शेयर कीजिए, क्यों? क्योंकि वो चीज आने वाली वीडियो को इंप्रूव करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। इसके साथ साथ इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।